जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वी लव यू गुरुजी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना आज के सत्संग वास्ते, हम सबको चरणों में बुलाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी की सारी प्यारी रंगत जी को जय गुरुजी और बहुत बहुत वेलकम है। जय गुरुजी। गुरुजी इज वेरी काइंड, वेरी लविंग, वेरी अमेजिंग एंड कंटिन्यूसली ब्लेसिंग अस इन काउंटलेस वेज। आज सत्संग था दोपहर को 1 o'clock को। जब मैं सत्संग में बैठी थी तब गुरुजी ने मुझे बोला था ये आंटी के घर सत्संग कर, तो मैंने बोला हाँ थर्सडे को है, तो गुरुजी ने बोला नहीं आज कर। मैंने बोला आज गुरुजी आंटी ने डर जाना है, हैं? गुरुजी बोले आज ही कर। तो मैंने बोला हाँ मैं तो बोल देती हूँ, फिर मुझे तो यू नो पीपल मे गेट टेरिफाइड ऑल ऑफ अ सडन सत्संग करना है करके अपने ही थॉट लगाते हैं। फिर गुरुजी ने जो अंकल के पास बुलवाते हैं वो डायलॉग याद आ गया मुझे कि अपनी मत सोच लगाओ, जो गुरुजी कहते हैं उसमें जी गुरुजी कह दो। तो मैंने जी गुरुजी कर दिया था और गुरुजी को यूं बोला था गुरुजी कराना है आप ही कराओ, है ना। तो गुरुजी की कृपा से सत्संग कम्प्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, सत्संग शेयरिंग भी कम्प्लीट हो गया, सब कम्प्लीट हो गया। हम आराम से बैठे थे, आंटी का जाने का टाइम हुआ, तब आंटी एक मुझे बोल रही है एक मिनट आप यहाँ आओगे। मैंने कहा हाँ हाँ आऊंगी, हैं मैं वहां जाती हूँ। फिर वो मुझे बोल रहे थर्सडे का सत्संग के वास्ते, तब मुझे अचानक याद आया कि गुरुजी ने बोला था जो मैं वेरी कन्वीनियंटली नहीं बोलना था इसीलिए भूल गई थी। तो मैंने बोला गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बोला हुआ है आज करने को सत्संग। आंटी बोली हाँ आज कर लेंगे, आज गुरुजी ने आज बोला है। एंड शी वॉज सो पॉजिटिव, अंदर से भले डर लग रहा था लेकिन उन्होंने वो किया जो गुरुजी के साथ हम हर एक जन को करना चाहिए, और मुझे तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिस डालनी है कि गुरुजी को जी गुरुजी बोलना है ना, जी गुरुजी बोलना है, गुरुजी जो बोले उसमें जी गुरुजी, क्योंकि कौन सी ब्लेसिंग किसके वास्ते कब है और क्यों है ये किसी को नहीं पता। तो शुक्राना गुरुजी, जो गुरुजी ने रज रज के इतना खूबसूरत सत्संग बनवाया, आज का प्लेलिस्ट भी बहुत ही प्यारा सा था। गुरुजी हरेक को ब्लेस करने के लिए ही सत्संग कराते हैं और काउंटलेस ब्लेसिंग शावर करने के लिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू ऑल द अदर सत्संग ऑल्सो एंड शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का सत्संग करना कितना आसान है, दोपहर को 3:30-4 बजे मैं आंटी को बोलती हूँ आज शाम को 8 बजे, 4 घंटे का भी विंडो पीरियड नहीं था। तो फिर बीच में 6 बजे 6:30 बजे गुरुजी ने मेरे पास फोन करवाया, मैंने बोला डरना मत हैं, गुरुजी की कृपा से सब शब्द चलते हैं तब साथ साथ लंगर बन जाता है, तू फिक्र मत करना। तो बोले हाँ, और ऐसे ही हुआ, साथ साथ मिलके सब हो गया। ड्यूरिंग द जैसे शब्द कुर्बानी चल रही थी उसके साथ साथ लंगर भी बना, कड़ा प्रसाद भी बना, चाय प्रसाद भी बना, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो पहले से बना के रखी है। इनफैक्ट आटा भी ड्यूरिंग द शब्द गुरबानी ही गुना गया है। तो हर एक चीज जो गुरुजी ने इतने प्यार से ब्लेस की, और वैसे कहते हैं मुझे पूछा गया था कि गुरुजी का लंगर रीहीट नहीं करते, मैंने सुना है। मैं हाँ हाँ, हम तो पकाते ही तब है जब यू नो गैस से उतरते हुए खाने को दो, ऐसे ही हम पकाते हैं, हम पकाते ही नहीं है पहले से। तो क्यों पकाना है, थोड़ी थोड़ी, ऐसा जरूरी ही नहीं है कि बहुत संगत होनी चाहिए, केटरिंग करना है, ये करना है, एकदम सिंपल जितना रखते हैं परमात्मा उतने खुश होते हैं और उतना ही ब्लेसिंग्स का पाने का मौका और बढ़ जाता है। मुझे एक ओल्ड संगत आए थे, उन्होंने बताया था कि गुरुजी चाहते थे संगत उतनी हो कि जिसमें माइक ना यूज करना पड़े, है ना। तो माइक यूज करने की क्या जरूरत है, ऐसे तो थोड़े थोड़े 5, मुझे तो एक जन भी मिल जाए मुझे बड़ी खुशी होती है। और लखवारी शुक्राना करती हूँ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी बच्चों को ब्लेस करने के लिए हमें ब्लेस कर देते हैं, हमारे पेरेंट्स को ब्लेस करने के लिए हमें ब्लेस कर देते हैं। वजह ही वजह है, वजह बिना वजह निर्गुण राख दिया गुरुजी ने हम सबको, है ना। ऐसे गुण पता नहीं कौन से जन्म के होंगे, पता नहीं, तो वर्ड ही अच्छा नहीं लगता मुझे, है ना, पता होता है हमें।
और जब मौका आता है तब गुरुजी पता करवा देते हैं कि क्या ब्लेसिंग किस वास्ते मिल रही है, हर एक जन को बता देते हैं। इसी ये जानने के लिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की कृपा जानने के लिए, वी ऑल नीड टू बी प्योर, कीप अ माइंड एज काम यू नो एंड क्वाइट। गुरुजी ने सबसे बड़ा पार्ट पढ़ाया चुप रह के, ज्यादा बोलते ही नहीं थे गुरुजी। सालों साल लोग आते गए, संगत आती गई, लेकिन किसी ऐसी भी संगत है जो सालों साल आते गए लेकिन उन्होंने गुरुजी की आवाज ही नहीं सुनी। तो वो आवाज क्यों नहीं सुनी गुरुजी की? क्योंकि गुरुजी बोलते ही नहीं थे, प्रवचन नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया। तो कुछ पाठ पढ़ाना होगा हम सबको इसी वास्ते, ऐस जितना हम फिर हो जाए, यू नो काम हो जाए, क्वाइट हो जाए, उतना ही ज्यादा सुनाई देता है। जब गुरुजी के सत्संग बोल नहीं रहे हो तो चुप हो जाओ, हैं? गुरुजी बात करते हैं हर एक के साथ और बहुत सारी ढेर सारी बातें करते हैं, हर एक चीज में बात करते हैं। आज अंकल बता रहे थे मुझे कि कुछ हुआ था और बोले ये तो खोटा टिक्का है मेरे वास्ते, बोला हाँ गुरुजी के, कुछ तो कॉमेडी चल रही थी और मैंने तो तुरंत ही गुरुजी के चरणों में अर्पण कर दिया। तो गुरुजी ने बोला खोटा सिक्का नहीं है, मोटा सिक्का है। सिक्का मोटा हो तो काम भी आता है। तो शुक्राना है जी रब्बी दा। आज टू ईयर ओल्ड गर्ल्स या वन ईयर ओल्ड चिल्ड्रन वर इन द दरबार एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू वॉच देम। उनका माइंड इतना क्लीन एंड प्योर एंड काम रहता है कि व्हेन द सेकेंड चाइल्ड केम इन, उसका ध्यान कम्प्लीटली वो एक छोटी बच्ची पे था जो उसी के एज या साइज की थी, यू नो, एंड शी कुड नॉट मूव हर आईज फ्रॉम दैट चाइल्ड। इतने सारे हम थे लेकिन उसकी नजर वो चाइल्ड पे ही थी, किसी और पे नहीं थी। उसको अपने साइज के लोग, अपने हाइट बॉडी के लोग अच्छे लगे तो ध्यान वहीं पे रहा कि चलो कोई मेरी साइज का है, एंड शी जस्ट केप्ट लुकिंग। ऐसे ही जब हम संगत परिवार मिल जाते हैं ना, तो बस वही रिश्ता रहता है कि क्वाइटली हम एक दूसरे के साथ बैठ के गुरुजी का लंगर चखे, गुरुजी के सत्संग शेयर करें, गुरुजी की कृपा शेयर करें। आज गुरुजी ने लीला भी ऐसी की कि आज 1 o'clock का सत्संग था तो एक आंटी मुझे फोन कर रही है कि आंटी आज तो मैं जल्दी आ गई, आप कहाँ हो? मैं तो घर के अंदर ही हूँ। बोलते नहीं, घर के बाहर तो ताला है। मैंने कहा ताला तो यूं ही लटकता है। बोलते नहीं आंटी, ताला लगा हुआ है। मैंने कहा कहाँ से लगा हुआ है? हैं? तो बोलते हैं हाँ ताला लगा हुआ है। तो मैंने जाके देखा तो सच्ची में वो दरवाजा अंदर से तो खुला ही था, बाहर से ताला लगा हुआ था। मैं बोल रही हूँ है आज अंकल सुबह जाने के टाइम ना ताला लगा के ऐसे ही चले गए। तो मैं अंदर और ताला बाहर था। तो मैंने बोला कोई नहीं, मेरे पास जो दूसरी चाबी है ना मैं फेंकती हूँ। तो वो मैंने उसको बोला आप वहां जाके खड़े रहो, मैं चाबी फेंक रही हूँ। वो चाबी फेंकने के टाइम जो विंडो से फेंक रही थी तो वो बोल रही है और अच्छे से पैक करके मैंने दी। मैंने बोला अब मैं फेंक रही हूँ करके। वो बोल रही है आंटी एक मिनट रुक जाओ, ये तो कबूतर जाली है, बीच में जाली है, यू इट वोंट रीच। लेकिन वो बोले रुक जाओ, उसके पहले तो आंटी ने फट करके फेंक दी थी। फिर वही आंटी ने नीचे जो हाउसकीपिंग वाले थे उसमें से एक दो पर्सन को बुला के फटाफट चाबी निकलवा के उन्होंने ही ताला खोला इस घर का, आज का दरबार का दरवाजा खोला उन्होंने। मैंने बोला पता नहीं कितने लोग आके चले गए हैं, गुरुजी की कृपा से किसी ने ऐसा रिपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन शुक्राना है। अनोखी वाली बात होगी, क्या ही मतलब है, क्या ही समझना है, क्यों ही समझना है, बस शुक्राना करना है गुरुजी का। ये आज के सत्संग का शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना, लख वारी शुक्राना। ऐसी ही कृपा गुरुजी हर एक परिवार पे बना के रखे। गुरुजी की संगत गुरुजी को बहुत प्यारी है और गुरुजी जितना प्यार देते हैं उतना प्यार हम समेटे नहीं समा पाएंगे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पंखा कर दो। जैसे कि अभी मैंने अभी जब पहले रुचिका गुरु जी को मानते थे, मैंने तो अभी एक साल ही हुआ है मुश्किल से, तो मानना शुरू किया। तब से हर बार यही होता था कि हम लोग ये सोचते थे कि
नॉर्मली अप्रैल से जून तक मेरा एक टेस्टिंग टेस्ट पेपर आता है गुरु जी कहते हैं या ईश्वर से जब भी है। लास्ट टू लास्ट ईयर मैं बाहर था तो मेरे को यहाँ ट्रांसफर होना था, तो पूरा गुरु जी ने प्लान किया हुआ था कि हम लोग जब आए तो अप्रैल में जब लॉकडाउन लग गया था तब मैं बाहर मस्कट में था तो मेरे को वापस आना था। फिर मई में जैसे ही टिकट्स ओपन हुए तब ये था कि किसका नंबर पहले आएगा भी नहीं आएगा, तो उस समय पे हम लोगों को जैसे था कि किसका नंबर पहले आएगा, बट आई वॉज वर्किंग विद अ गुड कंपनी तो फर्स्ट टाइम में हमारा नंबर आना था। तो रुचिका ने बताया कि गुरुजी का स्मरण करो, मैंने कहा हाँ ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं देखते हैं। तो जब टिकट आ गई उसके बाद मेरे को वहां पे फीवर चढ़ जाता है एक दिन पहले, और कोविड के टाइम पे ये होता था कि जिसको फीवर होगा उसको फिर टिकट होते हुए भी क्वारंटाइन करना होगा या वो नहीं जा सकते। बट तब एकदम से इसने कहा कि दवाई खा लो, वहां पे जाके भी दवाई खा लेना तो आपका बुखार उतर जाएगा, बट वो फिर भी टेस्ट में आ जाएगा। लोगों ने कहा वो फिर भी टेस्ट में आ जाएगा। देन आई वेंट फॉर अ जस्ट फॉर अ वॉकिंग, और सत्संग करते हुए ही मैं वॉक किया नीचे जाके, तो मेरा फीवर एकदम से नीचे आया। तो सत्संग मतलब शब्द रुचि ने कहा ये शब्द पढ़ो, तो सत्संग करते हुए मेरा एकदम से फीवर अराउंड 99 था, लेकिन जब तक मैं एयरपोर्ट जाना था उसके 1.5 घंटे पहले भी मेरे को फीवर था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वो गन उन्होंने जब दिखाया ये स्क्रीनिंग के लिए तब मेरे को गो एंड मिल गया कि हाँ जा सकते हो आप आगे। फिर जब मैं फ्लाइट में था और तब थोड़ा डर भी था कि पीपीई किट भी है सब कुछ हम लोगों ने पहनना है, तब ये भी था फीवर है पहने ना पहने, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचा अराउंड 45 डिग्री के आसपास मेरे को ये था कि ये पहना तो नहीं जाएगा, जितना भी है योगा देखेंगे गुरु जी की कृपा होगी तो पहुंचेंगे, नहीं होगी तो नहीं पहुंचेंगे। जब हम एयरपोर्ट गए एयरपोर्ट फ्लाइट में, मतलब तब से आज तक इतफाक यह है कि पहले मैं फ्लाइट दूसरी पकड़ता था वाया दुबई, क्योंकि बाकी फ्लाइट जो डायरेक्ट आ रही होती थी उसके अंदर टर्बुलेंस बहुत होता था, लेकिन वहां ऑप्शन ही वही था कि उसी फ्लाइट में आना है। और मैं जिस फ्लाइट में आया इतनी स्मूथ फ्लाइट थी, इट वॉज जस्ट लाइक अ कार में जैसे बैठ के हम लोग आ रहे हैं, फ्लाइट जरा भी टर्बुलेंस नहीं था कुछ भी नहीं था, बहुत स्मूथ फ्लाइट आया और हम लोग यहाँ लैंड भी हो गए थे। और जब लैंड हुए तो भी पूरा प्रोसेस ठीक था, और फिर क्वारंटाइन के लिए हम लोगों को होटल में रहना था। होटल में सबको पता कि अलॉटमेंट ये था कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था, आई कुड हैव गॉट इधर यशवंतपुर, बट फॉर्चुनेटली आई गॉट MG रोड विच इज जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई प्लेस। और जब क्वारंटाइन हमारा कंप्लीट हो गया वहां पे भी बहुत अच्छे से सबने ख्याल रखा, सब मेरे को भी नहीं पता था कुछ कुछ भी, मतलब हमारे कॉलोनी के भी लोग हैं जो वहां पे काम करते हैं उन लोगों ने ख्याल रखा, फिर मैनेजमेंट ने भी वहां कॉल किया था एज फ्रॉम सेम ग्रुप कंपनी, तो सब लोगों ने बहुत ख्याल रखा वहां पे। और वहां से जब क्वारंटाइन ओवर हो गया तब भी ये डर था उस टाइम पे कोविड का कि लोगों को कैब लेना ही नहीं लेना बिकॉज इट इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पकड़ना ही नहीं पकड़ना, बट आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं अक्रॉस द रोड ही वॉकिंग आया था जब अंदर आया था, और तब तक सुपना आंटी जो सामने बैठे ये भी नहीं मानते थे क्योंकि वो आप आगे का आप बताना आपके साथ क्या वाला आगे का सपना आंटी बता, नहीं आगे का सपना आंटी बताएंगे, उसके बाद आपके साथ जो सत्संग हुआ ना जब अंकल को कोविड हुआ था आपका सत्संग, हाँ, वो बाद में बताएंगे आप अपना बताओ। हाँ जी वही मैं बता रहा हूँ कि मतलब उसके बाद फिर ये शुक्राना गुरु जी हम घर ठीक ठाक पहुंचे और 2 साल घर पे बैठ के हमने आराम से गुरु जी की जनता की दीदी की सेवा की तो सब लोगों ने बहुत और अच्छे से सब समय बैठा, ऐसे गुरु जी की कृपा बनाते हैं। जय गुरु जी, धन्य गुरु जी, शुक्राना जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आज मेरे दिल से बस ये निकल रहा है उचिया भागा वाली, जो मेरे गुरु जी मेरे घर आ गए, मेरी कुटिया भी पाक जगाए, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आज के सत्संग वास्ते आपका अनंतम शुक्राना। थैंक यू टू रूपाली आंटी ऑल्सो, बहुत बहुत शुक्राना मुझे इनकरेज करने के लिए, मुझे बोला बिल्कुल अच्छे से होगा, और शुक्राना गुरु जी का इतना प्यारा गुरु परिवार देने के लिए, इतने प्यारे आंटी अंकल हैं कि आज जब सत्संग का डिसाइड हुआ
कुछ भी तैयारी नहीं हुई हुई थी, लेकिन सब गुरुजी ने अपने तरीके से बिल्कुल अच्छे से प्लान करा दिया, इतने अच्छे से दरबार करवा दिया, सजवा दिया। मेरे को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था अभी जब मैं सत्संग में बैठी हुई थी कि वाह गुरुजी आप कितने कितने कृपा करते हो हम लोगों पर, हमें पता ही नहीं चलता, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो गुरुजी आप। सॉरी पता नहीं इज अ रॉन्ग वर्ड, क्योंकि पता नहीं अगर हम बोलेंगे तो वो हमारी ब्लेसिंग्स पता नहीं हो जाएंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना पल पल शुक्राना। और ये ड्रेस जो है ये मुझे आंटी ने दी थी और मैंने ये सोचा था कि ये किसी स्पेशल दिन पहनूंगी, और आज जब सत्संग का हुआ तो मुझे याद भी नहीं था कि ये ड्रेस पड़ी हुई है या कुछ। मैंने कबर्ड खोली और जब मैंने हाथ मारा तो यही मेरे हाथ में आई एकदम। तो गुरुजी ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि कौन सा स्पेशल डे है जिस दिन ये ड्रेस पहननी है। शुक्राना गुरुजी, आप तो हमारे मतलब ये तक आपने प्लान किया हुआ है कि हमने क्या पहनना है क्या खाना है, तो हम ऐसे ही चिंता करते हैं किसी भी चीज की, आप तो हमारी लाइफ संवार ही रहे हो। शुक्राना पल पल आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु। जय गुरुजी, गुरुजी का लख लख शुक्राना आज के सत्संग के लिए। गुरुजी इतने नजारे दिखाते हैं, जैसे आज एक बजे का सत्संग था तो मैं ऑफिस से लंच में आया था तो मैंने भी अटेंड किया, और बाद में आंटी ने कहा कि एक आंटी को एक्चुअली दो आंटीज को मतलब जरा वहां टैक्सी नहीं मिल रही थी, वहां ड्रॉप कर देना जहां पे टैक्सी मिलेगी। मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैं गया एक आंटी को उनके घर में ड्रॉप कर दिया, दूसरे उन्हीं के घर के बाहर टैक्सी के लिए वेट किया, तो टैक्सी आई वो चले गई। तो फिर मैं वापस आ रहा था तो आंटी का फोन आया कि किधर हो। मैंने बोला मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और तब मैंने आंटी को बोला कि आज एकदम स्काई क्लियर है, ब्लू दिख रहा है, तो आज कोई बारिश का कुछ भी इंडिकेशन नहीं है, होगी नहीं बारिश। तो बिकॉज पता था कि शाम को हमें आंटी के घर आना है दूसरे सत्संग के लिए, बट गुरुजी ऐसा नजारा दिखाते हैं कि अभी सत्संग चल रहा है, आरती हो रही है और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। तो मतलब जहाँ एकदम बारिश का कोई भी इंडिकेशन नहीं था, गुरुजी अमृत वर्षा करा रहे हैं। तो मतलब थैंक यू गुरुजी, गुरुजी लाख लाख शुक्राना। और दिन में एक बजे की सत्संग में आज एक आंटी आई थी, वो अपने फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को लेके आई, तो वो काफी टाइम से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर फ्रॉम जम्मू। तो उनके अंकल ने डैडी जो थे उन्होंने सत्संग शेयर किया, बोलते कि गुरुजी में इतना हमें विश्वास हो गया कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। तो उनने अपना एग्जांपल बताया कि बोलते काफी साल पहले वो एक बार जम्मू से दिल्ली आए थे और दिल्ली से एक दूसरी फ्लाइट पकड़ रहे थे, और बोलते रात को पहुंचे थे, फ्लाइट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में थी, तो जम्मू से तो सब आ गए थे मजे में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर बोलते दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम हो गए थे कि वो बैगेज को लेके, उसका वेट लेके एंड और भी काफी सारी कठिनाई और परेशान चल रहे थे। तो बोलते वो हमें पता नहीं था हम क्या करें, बट बोलते तब हमें ध्यान आया कि गुरुजी को अरदास करते हैं, गुरुजी को उन्होंने याद किया, और बोलते फिर गुरुजी ने ऐसा नजारा दिखाया कि नेक्स्ट डे फ्लाइट से पहले उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, और वो जो एयरलाइन थी उन्होंने उनको स्पेशल हैंडलिंग भी दी, फ्लाइट तक जो बोर्डिंग पॉइंट था वहां तक एस्कॉर्ट भी किया। तो बोलते कि लाइक इट वाज ट्रूली अमेजिंग कि हमने किसी से बात नहीं की थी और कुछ भी किया नहीं था, बट गुरुजी ने मेड द लाइक ट्रांजिट टाइम सो वेरी प्लेजेंट एंड उनको स्पेशल हैंडलिंग दिलवा दी एंड लाइक पूरा एयरपोर्ट तक उनको मतलब बोर्डिंग गेट तक एस्कॉर्ट करवा दिया। तो बोलते कि लाइक दिस ओनली गुरुजी कुड डू इट एंड ओनली गुरुजी मेड इट पॉसिबल। तो ही वाज सो वेरी मतलब थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गुरुजी हु इज ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट। तो थैंक यू गुरुजी, गुरुजी लख लख शुक्राना एंड बाबा गुरुजी।